मोबाइल चाहिए। क्यों भाई, तुझे क्या जरूरत पड़ेगी मोबाइल की? भैया वो लोग मुझे छेड़ते हैं और मैं कई बार अकेला पड़ जाता हूँ। वो सब तो ठीक है, एग्जाम्स पे ध्यान दो, उसके बाद देखते हैं। क्यों देवेश, क्यों नहीं खाना, क्या हुआ? मेरे सारे दोस्तों के पास मोबाइल है, भैया को मोबाइल दिलाने को बोला तो ना बोलते। जब तक मुझे मोबाइल नहीं मिलता मैं खाना नहीं खाऊंगा। सुनो, शादी हुई तब से सुन ही रहा हूँ, बोलो। इतनी रात हो चुकी है, देवेश अभी तक घर नहीं आया। मुझे घबराहट से भी हो रही है, आप पता करो कि देवेश कहाँ पर है। देवेश का भाई बात कर रहा हूँ, वो अभी तक घर नहीं लौटा। क्या वो वहाँ पे है? नहीं, वो तो यहाँ से टपका निकल गया। क्या बोला सर ने? सर बोल रहे हैं कि उसका रिजल्ट पक्के खत्म हो गए। तुम लोगों में नीचे देख के आता हूँ। कहाँ था तू? जवाब दे। उसके यहाँ था। क्या दर्द है तेरा? अरे आ गए आप? नहीं, दूध वाला आया है। कुछ नया बताओ। कहाँ है देवेश? वो अपने रूम में है। देवेश? हाँ भैया। आ जरा बैठ मेरे पास, तो बड़ा नाराज हुआ पड़ा है हमसे। सरप्राइज ये मेरे लिए? हाँ भाई, दिखाई तो है। सच में? थैंक यू भैया। हाँ छोटे। अरे उसको भी बुला लो। अच्छा भाई, किला नहीं लेते? अरे आ जा थोड़ी देर। रिश्तों से ज्यादा वक्त हम अब अपने फोन को देते हैं, भूल जाते वो खुशियां जो उनके साथ रहने में होती है। दूसरों की तकलीफों का मजाक बना लेते हैं और अपनी तकलीफों का स्टेटस बना लेते हैं।